छोटे छोटे से बच्चे कबूतर के। तीन थे, एक पता नहीं कहाँ है, सुबह से नहीं दिख रहा, या तो लग रहा है नीचे गिर गया वहाँ से। ये देखो इनको। नहीं नहीं हंडी लगाना, डर जाएंगे वो। कितने क्यूट है। अरे नहीं डर जाते बेटा वो। वही देखो इसने मुंह खोला, लोले रो नहीं रहे, तेको देख रहे जोर जोर से। आज कई सारे छोटे मोटे काम है अपने को। सबसे पहले तो गाड़ी वॉश कराएंगे आज। देखो गाड़ी की हालत, यहाँ पूरा क्या ओपन एरिया है ना, सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ती है, तो भी गाड़ी वॉश करवाएंगे सबसे पहले अपन। कितना गंदा हाल है गाड़ी का। ये छोटू की फ्रूटी चिप्स वो भी कुरकुरे वगैरह सब खा के यहीं फेंक देता है, बहुत गंदा हाल है। पीछे से सीट गंदी है, सुल्तान को हॉस्पिटल दिखाने ले गए थे, एकदम पूरी गाड़ी भरी पड़ी है। चलो गाड़ी वॉश करवाते सबसे पहले तो। हेलो फ्रेंड्स, आज सुबह निकले थे घर से कार वॉश करवाने के लिए, लेकिन काम में ऐसे फंसे कि अभी बज गई है शाम की 6, तो अभी जा रहे हैं कार वॉश कराने के लिए, क्योंकि फिर वापस टाइम मिले नहीं मिले। और आज मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ मेरे फ्रेंड से संजय व्यास, जिनको हम संजू पा बोलते हैं। फ्रेंड्स, इनको भी मैं साथ में उठा के लेके आया हूँ कार वॉश करवाने के लिए। तो अभी जा रहे हैं हम सन सिटी कार वॉश सिद्धार्थ भाई के यहाँ पे। गाड़ी लगाई है वॉशिंग के लिए, अभी सिर्फ टॉप वॉश करवाएंगे इसका, क्योंकि अभी मुझे एक दो दिन में कुछ सामान वगैरह लेके जाना है गाड़ी के अंदर, तो उस टाइम गाड़ी वापस गंदी होगी, फिर ढंग से इसकी प्रॉपर वॉशिंग करवाएंगे। अभी देख लो गाड़ी का हाल। अभी हो गई है गाड़ी की कंप्लीट वॉश, चकाचक एकदम। अंदर से अभी मैंने करवाई नहीं है, अंदर से मैं बाद में करवाऊंगा, क्योंकि अभी मुझे गाड़ी में कुछ सामान वगैरह लेके जाना है, तो वापस अंदर से गाड़ी गंदी होगी इसलिए। बाकी गाड़ी एकदम तैयार, फिल्टर पूरा ख़त्म हो चुका है, तो इसको या तो चेंज करवाएंगे, क्लीनिंग तो इसकी पॉसिबल है नहीं, चेंज करवाएंगे इसको, देखते हैं यहाँ मिलता है कि नहीं मिलता, नहीं तो फिर शोरूम जाके चेंज करवाना पड़ेगा। अभी नया एसी फिल्टर लिया है, इसको लगाते हैं गाड़ी के अंदर, पुराना वाला तो पूरा कम्प्लीटली चौक हो चुका है, तो वो तो काम आएगा नहीं, अब इस नए वाले को लगाएंगे इसके अंदर। तो वैसे अभी हम आ रखे हैं सन सिटी, यहाँ पूरा कार वॉशिंग वगैरह का सबका काम होता है, जैसे इसका डेंटिंग पेंटिंग का काम चल रहा है। दोस्तों अभी हम आ रखे हैं सन सिटी कार रेस्क्यू, और ये सिद्धार्थ भाई, और ये सिद्धार्थ भाई, सिद्धार्थ भाई अपने बुलबुल के बच्चे के बारे में थोड़ा सा टूर देंगे अपने को। तो सिद्धार्थ भाई आप बताओ ये क्या सिस्टम है, मैं तो पहली बार बैठा हूँ लाइफ के अंदर रेंज रोवर के अंदर, क्या क्या फीचर्स है इसमें। बहुत अच्छी मशीन है इसकी, जो मेन जो गाड़ी का सबसे मजेदार चीज होती है वो इसके ऑफ रोडिंग फीचर्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप दिखाइए, ये इसके मोड्स हैं, ऑफ रोडिंग मोड्स। अच्छा, और इसको पहाड़ी पे चलाना हो, इसके अंदर ये टोटल 6 मोड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, ये 4x4 है। 4x4 है। अच्छा, 4x4 4x2 दोनों ऐसे हो जाता है, इसको स्पोर्ट्स मोड में डालते हैं तो ये 4x4 पे ऑपरेट होता है। ओके, नॉर्मल मोड है तो ये
और सब कुछ इसके अंदर ऑटोमेटिक होता है। जैसे इसके अंदर अगर अपन रिवर्स ले रहे हैं तो उसकी जो रियर व्यू मिरर्स हैं वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते हैं। आप उसको कार की तरफ दिखाएंगे, इवन रिवर्स डाला है तो अपना आप रोटेट होता है। अच्छा, वो नीचे व्हील की तरफ जा रहा है। हाँ अच्छा, मैं आगे इसको फ्रंट की तरफ करूँगा तो वो फिर से फ्रंट मोड में आ जाएगा। ओके, इसकी रूफ लाइट है वो भी, इसमें कोई बटन नहीं है, ये टच है इसके अंदर। अच्छा, ऐसा है, मून रूफ है इसके अंदर, बहुत अच्छा सा पूरा पूरा का पूरा ओपन ही है एक तरीके से तो ये। तो यहाँ ये लाइट आ गई। तो इसके इनफोटेनमेंट गाड़ी को जैसे अपन गाड़ी से उतरेंगे ना तो भी इसके अंदर साइड मिरर के अंदर भी इवोक बनी हुई होती है। अच्छा, जो ग्राउंड के ऊपर इवोक का इम्प्रेशन डालती है। ओके, नाइट में बहुत मजा आता है उस चीज का। बाकी तो स्पोर्ट मोड में इसको चला ले तो फिर मजा ही अलग है। तो ये कौन सी ईयर का मॉडल है? ये 2014 का मॉडल है। 2014 का मॉडल है। अभी कितना चल गया ये? 72,000 चला हुआ है। 72,000 चला हुआ है ये। तो अभी कोई एक्सपीरियंस लिया है कहीं, मतलब पहाड़ी पे या ऐसा कहीं हिमाचल साइड में ऐसा कहीं? नहीं नहीं, मैं तो बाहर नहीं गया, बट यहीं पे बहुत मजेदार है मामला। इसको बैठ के ही मजा आ जाता है। अंदर बैठ तो ही सीट ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा, गाड़ी को बंद करूंगा तो सीट मेरा अपना पीछे जाएगा। अच्छा, हम तो फोर्ड फिगो वाले आदमी हैं, ये फीचर्स हमारे गाड़ी में तो नहीं है। हाँ नहीं है तो क्या हो गया, बाहर आओ आप, सब बाहर से वीडियो ले। ये अभी अपन ने अनलॉक किया है। अनलॉक करते ही नीचे नीचे इवोक बना हुआ आ रहा है। देखो आप, ये थोड़ा मिट्टी है इस कारण क्लियर नहीं दिख रहा, बाकी क्लियर दिखता है। गाड़ी का लुक तो अल्टीमेट है। मस्त लग रही है गाड़ी। अब मेरे जैसा आदमी तो पहला सवाल यही करेगा कि गाड़ी एवरेज क्या देती है। एवरेज 12 का देती है ये। 12 का एवरेज देती है ये। हाँ। और ये डीजल है। डीजल है, डीजल गाड़ी है। बढ़िया यार, बहुत शानदार गाड़ी है। वैसे आपने जब ये गाड़ी ली थी तो क्या प्राइस पड़ी होगी? ये 85 लैक्स की है। 85 लैक्स की है, मतलब मेरी कम से कम फिगो जो है वो 10 से 11 फिगो आ जाएगी इसके अंदर। देखेंगे, लेंगे कभी अगर हुआ, सब कुछ रहा सही सलामत रहा तो हम भी लेंगे कभी। बाकी गाड़ी देख के मजा आ गया। वैसे इस गाड़ी का नाम क्या रखा हुआ आपने? बुलबुल का बच्चा। बुलबुल का बच्चा। ओह, सही है यार गाड़ी। पर वही है, जितना पैसा इतनी लग्जरी। इसके अंदर छोटी आती है वो आप कवर, वो तो आजकल हर गाड़ी के अंदर ही है, वही मामला हर गाड़ी में। अनयूज स्टेपनी है इसकी अभी तक। अच्छा, उसमें टायर साइज क्या है अपनी? टायर साइज कहाँ गई, ये रही 235/65R17। और ये टायर चेंज करवाए हुए हैं ना? हाँ। ऑफ रोडिंग वाले टायर लग रहे हैं ये। बिल्कुल, इसमें यही आते हैं, ऑफ रोडिंग वाले ही आते हैं। गाड़ी ऑफ रोडिंग वाली है। अच्छा, बढ़िया गाड़ी यार, मस्त गाड़ी है। ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह सब कुछ अच्छा है गाड़ी का। अंदर जो कंफर्ट है ना गाड़ी के अंदर और जो लग्जरी है, उसकी बात ही अलग है यार। तो अभी हम निकले घर की तरफ। आज का दिन बड़ा भारी था। आज सुबह के निकले थे घर से, अभी तक अब घर पहुंचे, अब लगभग बज रही है 8:44। पूरा दिन आज निकल गया काम में, ऐसे ही पता ही नहीं चला। चलते घर पे, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। अभी बोल थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय व्लॉग। Please like and subscribe my channel. Yay! Mwah!